अपने भैनोई से क्यों नहीं बात करते? उससे बात करने का मतलब है कि मैं समायर को उनकी नजरों में गिरा दूं, और मैं यही नहीं करना चाहता। ठीक है फिर, एक काम करो, इस मसले से दूर रहो। यानी जीते जागते इंसान की जिंदगी बर्बाद होने दो? इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है तुम्हें इस जीते जागते इंसान से? बहुत खूबसूरत है क्या? बेवकूफी की बातें मत करो, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे सिर्फ समायर की फिक्र है। Are you sure? Like, seriously, यार, I think मुझे तुमसे इस टॉपिक पे बातें नहीं करनी चाहिए। अच्छा, forget about it. खाना खाओ। मुझे नहीं खाना। मेरी बात सुनो, तुम्हें अपनी बहन की फिक्र है ना, तो उसका घर बचाओ। इस लड़की के गम में क्यों घुल रहे हो? देखो, इस लड़की की मदद करने का मतलब है कि तुम अपनी बहन को इनसिक्योर कर रहे हो, और वो तुम करना नहीं चाहते, राइट? तो फिर प्लीज यार, इस मसले से दूर रहो, और जो भी करना है ना, अपनी बहन को करने दो उसे। अब खाना खाओ प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो अब तुमने मेरा फोन उठाना भी छोड़ दिया, इग्नोर करने लगी हो मुझे। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे ही बात है, झूठ बोलती हो तुम, इग्नोर करती हो मुझे। झूठ मैं नहीं, झूठ तुम बोल रहे हो। मैं तो बस शिफा के साथ तुम्हारी शादी करवाना चाहती थी। हाँ, शिफा से तुम मेरी शादी करवाना चाहती थी, और बदले में मैं क्या चाहता था? हाँ बोलो रोहेल। मैं, मुझे तुम्हारी जरूरत है समय, सिर्फ तुम्हारी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बात कहने की? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? हाँ, हिम्मत तुमने बढ़ाई है मेरी अपनी हरकतों से। तुम भूल रही हो समय, हम दोनों के बीच में कमिटमेंट हुई थी कि शिफा को मैं अपने जाल में फंसाऊंगा, बदले में तुम मेरे साथ आओगी। ये सब झूठ है, मैंने ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं की थी। मैं तो बस शिफा के साथ तुम्हारी शादी कराना चाहती थी, लेकिन ठीक है, तुम सच्ची में झूठा। तुम्हें अपनी कहीं भी बात याद नहीं है ना, तो अब मुझे पता है कि मुझे क्या है। रोहेल, बहुत पछताओगी समय। रोहेल, हेलो। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? मैं इससे मिलने कैसे जा सकती हूं? सब क्या हो रहा है? मैंने ऐसा तो प्लान किया ही नहीं था। सब कुछ शिवा की वजह से हो रहा है। अब रोहेल से मिलने भी वही जाएगी। इस लड़की ने मेरी जिंदगी का हर सुख चैन छीन लिया। अब इसकी वजह से अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। तक क्या? क्या 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 कह रहे हैं आप? अरे ऐसे कैसे जॉब से निकाल सकते हैं आप मुझे? अगर आपको रिसेप्शनिस्ट की जरूरत नहीं थी तो टाइम क्यों वेस्ट किया मेरा? चार दिन से खौर करके रखा है आप लोगों ने मुझे। हेलो हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम सर जी, मुझे तो 6 बजे का टाइम दिए। जी सर, मैं आ जाता हूँ। शिफा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ भाभी, आप परेशान क्यों लग रही हैं? बात है ही परेशानी की,
रोहिल का फोन आया था। क्या कह रहा था? उसने तुम्हें घंटे तक होटल मिलने के लिए बुलाया है। कह रहा है कि अगर तुम नहीं आई तो तुम्हारी तस्वीरें मेरे को भेज देगा। भाभी मैं नहीं जाऊंगी। देखो शिफा, जाना तो पड़ेगा। रोहिल बहुत उल्टे दिमाग का इंसान है, उससे मैं कहीं कुछ करना बैठे। भाभी मुझे नहीं जाना, उसके जो दिल में है वो करे। देखो शिफा, ऐसे तो मत कहो। और कुछ नहीं तो उमेर के बारे में सोचो। अगर उसने वो तस्वीरें देख ली तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी, और मिलने में क्या हर्ज है? एक बार पूछो तो सही उससे कि वो चाहता क्या है। लेकिन मैं अकेली कैसे जाऊंगी? और अगर उसने बदतमीजी की तो? इतनी हिम्मत नहीं है उसमें। और तुम घबरा क्यों रही हो? मैं चलूंगी ना तुम्हारे साथ। अब प्लीज जल्दी से कपड़े बदल के नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। एक्शन। कल से पहले ना मैं आपसे मिला था और ना आज के बाद आप मेरी शक्ल देखेंगे। कट। नहीं तकी, जुमला ये नहीं है। जुमला ये है, आज से पहले मैं ना आपसे मिला था और ना ही आज के बाद मैं आपकी शक्ल देखूंगा। I'm really sorry. दोबारा करें। Sure, sir. Please. चलें जी। I'm really sorry. Stand by. Yes, camera roll. Action. कल से पहले ना मैं आपसे मिला था और ना आज के बाद आप मेरी शक्ल देखेंगे। क्या बोल रहा है ये? तकी, 5 दफा तूने टेक करवा दी है। जाओ जाके स्क्रिप्ट दो, याद करवाओ पहले। भाई कहां से आ जाते हैं ये नए एक्टर्स? इजी लेते हैं इस काम को। ना कोई प्रिपरेशन है, ना कोई प्रैक्टिस है, ना रिहर्सल है, कुछ नहीं है। चौकस सर्कस बना दिया है इस काम को। क्या मतलब? क्या कहा आपने? जोकर्स। आप सीनियर हैं तो ये सीखा आपने कि दूसरों को जोकर्स कहें? तुम मुझसे बदतमीजी कर रहे हो। मैं सीनियर हूं तुम्हारा, जोकर। जोकर तेरी। छोड़ो तकी, छोड़ो। क्या कर रही है? छोड़ो छोड़ो तकी। अरे आप वहां पे बैठे काम करने आए यहां पे सर पे। I'll see you. पानी पिलाओ। क्या हो रहा है ये सब सेट पर? आप सीन करके मिले मुझसे आके। कितनी देर लगा दी तुमने, चलो चले। हदिया, उसको मैंने समर के पास छोड़ दिया और कहा है कि 1 घंटे तक हम मार्केट से आ जाएंगे, अब चलो प्लीज। क्या हुआ है शिफा, क्या सोच रही हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं सोच रही थी कि हम उमेर भाई को सब कुछ बता देते हैं, वो खुद ही नहीं मट लेंगे उस ब्लैकमेलर से। और अगर रोहेल ने उमेर को कोई नुकसान पहुंचा दिया तो? देखो शिफा, हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है। अगर हम वहां वक्त पर नहीं पहुंचे तो रोहेल कोई उल्टी हरकत ना कर बैठे। प्लीज चलो। चले। अस्सलामुअलैकुम ताई जान। अस्सलामुअलैकुम ताई। वालेकुम सलाम। जीती रहो जीती रहो। तुम लोग कहीं जा रही हो क्या? जी वो बाजार जा रहे थे। छोड़ो बाद में चली जाना। भाई हमने सोचा इतने दिन हो गए तुम लोगों से मुलाकात नहीं हुई, आज फुर्सत थी तो चलो तुम लोगों से मिलाएं। हाँ मैंने भी सोचा कि भाई इनको अकेले क्यों जाने दूं, मैं इनके साथ चले चलता हूँ। उमेर से मिले हुए भी बहुत दिन हो गए थे, बड़ा दिल चाह रहा था मिलने। जी बहुत अच्छा किया आपने। हदिया को भी सिर्फ पैदाइश के वक्त देखा था, फिर तो आना ही नहीं हुआ। घुटनों की तकलीफ ने तो कहीं का नहीं छोड़ा। अरे इनको अधबुआ कर दिया घुटनों के दर्द ने। आप लोग अंदर आना प्लीज। हाँ ये आओ भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ शुक्र है मुलाकात हो गई। निकल जाती तो मुलाकात देखिए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर ला रही हूँ। अरे चाय वाय छोड़ो बेटा, खाने का इंतजाम करो। बल्कि इस वक्त तो कोई ठंडा शरबत वरबत पिला दो, बहुत गर्मी हो रही। ठंडा ठंडा शरबत हो जाए, आज सुबह से ही बहुत गर्मी। अभी बनाकर लाती हूँ।
जी सर। क्या जरूरत थी तुम्हें निहाल की बातों पर ध्यान देने की? उल्टी सीधी बकवास करके खुद ही चुप हो जाता। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि बेगैरत बन के सुनता रहता? तुम्हें अंदाजा नहीं है निहाल की शोबिज में कितनी मानी जाती है। इसका अंदाजा तुम्हें कल तक हो जाएगा। आइंदा चंद रोज में अगर किसी प्रोडक्शन हाउस में तुम्हें अपना नाम सुनने को भी मिल जाए ना, तो मुझे आके जरूर बताना। मियां, शोबिज में तुम जैसे जल्दबाजों का कोई काम नहीं है। तुम्हारे पीछे कितनी मेहनत की थी मैंने, सब जाया कर दी तुमने। क्या क्या कहा आपने कि आपने मेहनत की? यानी मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं? खाली खुली टैलेंट को कोई नहीं पूछता। जासिम ने तुम्हारे बारे में सही कहा था, तुम्हारे पीछे मेहनत करना टाइम बर्बाद करना है। तो फिर आप एक काम करें सर, जाकर जासिम की बात माने और उन्हीं लोगों के साथ काम करें जिनके साथ आपका टाइम वेस्ट ना हो। क्या? मुझे भी आपके साथ कोई काम नहीं करना। ठीक है, नहीं तो ना सही। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं मुंह उठा के। भाभी अब क्या करेंगे? पता नहीं, मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा। रोहेल भी फोन नहीं उठा रहा और ये लोग पता नहीं कहां से आ गए। इनका तो जाने का कोई चांस नहीं है भाभी। ताई कह रही थी कि खाना बना ले, उसका मतलब है शाम से पहले तो लोग जाने का सोचेंगे भी नहीं। शिफा, इनको यहाँ से किसी भी तरह रुखसत करो। अगर हम लोग वहाँ वक्त पे नहीं पहुँचे ना, तो रोहेल कहीं गुस्से में आके कुछ करना बैठे। भाभी बहुत मुश्किल है, ये उन मेहमानों में से नहीं है कि मेजबान की मजबूरी समझ ले। सुनो, हम कोई बहाना बना के भी तो यहाँ से जा सकते हैं। नहीं, ताई बात का पतंगड़ बना लेंगी। अगर उनको जरा सा भी शक हुआ ना कि उनके हारने पे खुश नहीं है, तो वो इतना बड़ा तमाशा खड़ा करेंगी, हमें हाथ झुक के माफी मांगनी पड़ेगी। तुम्हारे पास फिर कोई और प्लान है तो बताओ। नहीं, सिर्फ यही है कि हम अच्छा सा खाना बनाते हैं, ठीक है? फुल प्रोटोकॉल के साथ सर्व करेंगे। जितनी जल्दी वो खाना खिलाएंगे, उतनी जल्दी लोग यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन भाभी, उससे पहले हम यहाँ से निकलने का सोच भी नहीं सकते। आप नहीं जानती ताई को भाभी, मैं जानती हूँ। क्या? किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकती हो लेकिन बात नहीं कर सकती? तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है, इतनी फिक्र हो रही है, तो आके उसे बचा लो। मैं शिफा को भी खुश रख सकता हूँ और तुम को भी। रोहित, तकी, ये तुम अपने साथ कर क्या रहे हो? पहले जासिम, फिर नेहाल और अब सुलेमान अंकल। एक बात तो सुनो, मैं देखो, अगर तुम्हें अपने करियर की फिक्र नहीं है तो एटलीस्ट मेरा तो ख्याल करो। सुलेमान अंकल ने सिर्फ मेरी वजह से जानते हो इस लड़के को? कौन है ये? नया लड़का है सर, एक वीडियो और दो तीन इसने एल्बम शूट किए हैं। वाह, जबरदस्त। लेकिन हैरत की बात ये, इससे पहले मैंने इसको देखा नहीं कभी। सर, सुलेमान अंसर की मेन लीड पर है ये, और आपको अच्छी तरह से पता है कि वो अपने हीरो हीरोइन को छुपाते हैं। सलमान अंसर? लेकिन आतिफ, मुझे इस लड़के में नई टेलीफिल्म का हीरो नजर आ रहा है। लेकिन सर, आपने तो निहाल अफरीदी से कहा था। यार देखो, निहाल बहुत एजिड हो चुका है और हमें इस रोल में बिल्कुल यंग लड़का चाहिए, सेम इसी तरह। और रही बात निहाल की, तो आई एम श्योर कि उसे मेरे इस फैसले से कोई एतराज नहीं होना चाहिए। बुलाओ इस लड़के को। ओके सर। ये ले। सर, ये लिफाफा। थैंक यू। Thank you.
सलीम, सलीम जी। सर सलीम ये कोरियर से आया? नहीं सर, कोई लड़का आया था, उसने कहा आपको पहचान दूं। कौन लड़का, उसका नाम क्या था? सॉरी सर, नाम पूछना तो मैं भूल गया, उसने कहा आप तक पहुंचा दूं तो मैंने ले लिया। एक्सक्यूज मी सर, कोई परेशानी? नहीं नहीं, आप जाओ। कि सर तो भाग गया, लेकिन उस दिन के बाद से तुम्हारे ताया इतना डर गए कि पिस्तौल साथ ही रखते हैं। अरे भाई, अपनी हिफाजत के लिए रखना ही पड़ता है बेटा। अच्छा था, ये बताएं भाभी के हाथ की बिरयानी कैसी लगी आपको? अरे भाई बहुत बेहतरीन, हमें तो हमारी अम्मा की याद आ गई। नौशाबा से कहूंगी फोन करके इससे सारी तरकीब पूछ। एक हमारी बहू है, ओफो ऐसे फीके खाने बनाती हैं कि हलक सड़ी। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग आए, लेकिन अफसोस ये है कि उमेर से आपकी मुलाकात नहीं हो पाएगी। अरे भाई, हम भी बहुत फुर्सत से आए हैं, जब उमेर आएंगे तो मुलाकात भी हो जाएगी। अब ताया जी, वो असल में उमेर भाई की काफी मीटिंग्स है ना, तो वो जरा लेट नाइट आएंगे। मैंने पहले ही कहा था फोन करके जाना चाहिए। अपने घर कौन फोन करके आता है? मेरा ख्याल है कि आज रात हम यहीं ना टिक जाएं। इसमें कोई मज़ाक़ा तो नहीं है ना? भैया हम तो अब ना सुबह यहां से जाएंगे, मैं बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। अब जो तुम रात का खाना बनाओगी ना, उसमें कुटी हुई मिर्चियां जरूर डालना भाई, मैं उसके बगैर खाना नहीं खा सकती, हलक से ही नहीं उतरता मेरे। बिल्कुल सही कह रही हूँ, आजकल ये पता नहीं क्यों नमक मिर्च बहुत तेज खाने लगी है, या तो डॉक्टर की दवाई का असर है या फिर अल्लाह जाने। अच्छा बेटा, तकी भाई ये बस फोन टॉक रह गई है, बहुत सारे आ रहे हैं, फिर हम शूट करते हैं, जब तक अभी याद कर लीजिए प्लीज। अरे उमेर भाई, आप यहाँ कैसे? वो मेरे क्लाइंट का ऑफिस इस बिल्डिंग में, उससे मिलने आया हूँ। उमेर भाई आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बस सर में थोड़ा दर्द है। नहीं नहीं, आप मुझे ठीक नहीं लग रहे, मेरा बस लास्ट सीन है, ये थोड़ी देर में फ्री हो जाऊंगा, फिर मैं आपको घर छोड़ूंगा। कि मैंने कहा ना मैं ठीक। शिफा की रोहिल के साथ तस्वीर, मतलब है कि उमेर भाई ने तस्वीरें देख ली हैं, जब ये परेशान लग रहे हैं। अब तो बहुत देर हो चुकी है, रोहेल यकीनन वापस चला गया होगा, लेकिन वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? ये भी तो हो सकता है कि वो होटल में ही मेरा इंतजार कर रहा हो। मुझे कुछ करना होगा, किसी ना किसी तरह घर से निकलना होगा। क्या कह रही थी? कह रही थी कोफ्ते जरूर बनाना रात में। देखो हैं तो तुम्हारे रिश्तेदार, लेकिन करा भैया बहुत अजीब है। मैं जानती हूँ, आपको पता है बचपन में इतना बुरा सलूक करती थी हमारे साथ, और अब ऐसे एहसान जताती हैं जैसे पाल पोस के बड़ा किया है। लेकिन मैं भाई उनकी एक भी बात नहीं डालते।
अच्छा चलो रात के खाने का कुछ करें। हाँ बोलो तकी। तुम बाज नहीं आई ना, जो चाहती थी वो करके छोड़ा। क्या मतलब है, अब मैंने क्या किया है? आज उमेर भाई से मुलाकात हुई थी मेरे अचानक, पर बाय मिस्टेक उनके पास से शिफा और रोहिल की पिक्चर्स गिर गई। यकीनन उन्हें रोहिल ने भिजवाई होंगी। इतने परेशान लग रहे थे बस माहिर, तुम्हें जरा भी एहसास है कि तुम कितने अच्छे इंसान के साथ कितना बुरा कर रही हो? ताकि इस वक्त मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं, बाद में बात करूंगी। क्या किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकती हो लेकिन बात नहीं कर सकती? तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है, इतनी फिक्र हो रही है तो आके उसे बचा लो। जब शिफा मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही थी तो कौन आया था मुझे बचाने? हाँ कहां थे तुम उस वक्त जब मैंने सब कुछ अकेले भुगता है तो वो भी अकेले भुगतेगी? और तुम मेरे भाई हो या उसके, बार बार उसकी साइड लेते हो। अहमक लड़की, मैं उसकी नहीं तुम्हारी साइड ले रहा हूँ, लेकिन तुम्हें ये बात समझ ही नहीं आ रही है। देखो समायर, तुमने जो हिमाकत करनी थी कर ली, लेकिन उमेर भाई की शक्ल मैंने देखी है। देखो ताकि मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मेरा दिमाग खाना बंद करो। मैंने तो देर से आना था, ये कौन आ गया? अच्छा होल्ड करो एक सेकेंड। ओफो तकी एक सेकंड होल्ड तो करो। रोहिल तुम? हाँ मैं। स्माहिर रोहिल तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मैंने कहा था ना कि तुम नहीं आओगी तो मैं आ जाऊंगा, समय आ गया। देखो रोहित, इस वक्त मेरे घर पर मेहमान आए हुए हैं, तुम प्लीज यहाँ से जाओ, कोई देख लेगा तो क्या? बाजियां बंद करो। बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि आज तो कोई मेहमान नहीं है। मेरा शोहर भी लेट आएगा, ऐसा ही है ना? रोहित प्लीज बात को समझने की कोशिश करो, तुम अभी घर जाओ, फिर हम बाद में बैठकर आराम से इस बात के बारे में। इस तरह तो मैं जाने से रहा नहीं, हम दोनों के बीच में डील हुई थी ना। कौन सी डील? तुम हर बात पर मुझे ब्लैकमेल करना बंद कर दो, मेरी तुम्हारी कोई डील नहीं हुई थी, समझे? क्या कहा तुमने? फिर से कहना क्या कहा तुमने? अच्छा तुम मेरे साथ आओ, आओ मेरे, चलो मेरे साथ। नाइस रूम। रोहिल तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्या तुम मुझसे एक ही सवाल बार बार पूछ रहे हो? देखो प्लीज मेरी पोजीशन समझने की कोशिश करो। और वो मैं क्यों समझूं तुम्हारी पोजीशन? तुम ही चाहती थी ना कि शिफा की जिंदगी बर्बाद हो जाए, इसीलिए तो तुमने मुझसे फ्लर्ट किया था। ये सच नहीं है, मैंने कभी भी तुमसे फ्लर्ट नहीं किया। अच्छा यार ये ड्रामेबाजी अपनी बंद करो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी फोन कॉल्स की ना सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है और अब तुम मुकर नहीं सकते। मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बात जरूर करती थी लेकिन मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा जो तुम मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सको। यार अगर मैं शिफा की पिक्चर्स को मैनिपुलेट कर सकता हूँ तो तुम्हारी भी कर सकता हूँ, और वो फिर मैं तुम्हारे शौहर को भी दिखा सकता हूँ। अस्सलामुअलैकुम भाई जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका भाई? अरे हम तो कब के आए हुए हैं भाई, तुम्हें देखने को हमारी आंखें तरस गई। तुम्हें ताई की याद नहीं आती क्या? सॉरी ताई जी, फुर्सत ही नहीं मिलती। लो भला ऐसी भी क्या मसरूफियत के इंसान अपनों को भी भूल जाए। तुम्हें ताए अंदर बैठे तुम्हारी क्लास लेने के लिए, वैसे वो भी तुम्हें बहुत याद करते। जी जी। देखो खुदा के वास्ते मुझ पर इतने बुरे और झूठे इल्जाम लगाने बंद करो। घटिया और झूठे इल्जाम? अच्छा जी, अगर तू ये सब झूठ है और ये सारे झूठे इल्जाम है तो तुम शिफा की पिक्चर्स मुझे क्यों सेंड करती थी? तुम यही चाहती थी ना कि शिफा के खिलाफ मैं उसकी पिक्चर्स को सबूत बनाकर तुम्हारे शोहर को फॉरवर्ड करूं। और सिर्फ ये नहीं,
मुझे ट्रैप करने के लिए तुम अपने घर बुलाती थी मुझे, तन्हाई में मुझसे पता नहीं कितनी देर बातें करती थी, मुझसे फोन पे बातें करती थी, और मुझे एक बात तो आहिस्ता बोलो, एक बात तो मुझे बताओ, कौन बेवकूफ आदमी अपने शौहर की बहन की शादी के लिए इतने जतन करता है यार, सीरियसली इतनी ड्रामेबाजी। सब जानता हूं तुम ना पहले दिन से उसके खिलाफ प्लानिंग कर रही थी, और जो शादी वादी की कहानियां ना जाकर अपने शौहर को बताओ, वो बेवकूफ आदमी है वो मान भी जाएगा, मैं नहीं मानता ये। अब तुम्हारे पास भाई एक ही रास्ता है, पूछो क्या, चलो मैं खुद बताता हूं, उसे दोस्ती कर, क्या बुराई मुझमें। और एक बात और, मैं शिफा को भी खुश रख सकता हूं और तुमको भी। रोहित मेरे पे हाथ उठाया तुमने। रोहित आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी बातों का इतना गलत मतलब निकालोगे। आई एम सॉरी, अब तुम मुझे हरगिज माफ नहीं कर सकते, हरगिज नहीं माफ करूंगा। शिफा भाभी को तुम क्या कर रहे हो? तुम इतने घटिया इंसान, तुम समझते क्या अपने आप को? भाभी 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 दरवाजा खोले, तुम लोग मेरे मरहूम भाई की निशानी हो, इसलिए तुम दोनों से मुझे बहुत प्यार है। चिता जी, ये शोर कैसा है? पता नहीं, लग रहा है कोई दरवाजा पीट रहा है। भाभी लिसन, नथिंग पर्सनल, ओके? समझ तो गई होगी तुम, तुम्हारी भाभी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रही है यार। प्लीज अपनी बकवास बंद करो और दरवाजा खोलने की कोशिश करो। लॉक है बाहर से, क्या करूं मैं? कोई चोर तो नहीं है? आओ देखते हैं। कौन घटिया है और कौन नहीं, इसका फैसला बाद में कर लेंगे, अभी बाहर चले। उमेर के हाथों तुम्हारी बेइज्जती होते देखने के लिए मैंने बहुत इंतजार किया है। क्या लगता है मैं चुप रहूंगी? रोहेल मुझसे नहीं ऐसे मिलने आया था। हाय, ये आवाज कैसी थी? ठहरो वरना गोली मार दूंगा, ठहरो। रुको। आप परेशान ना हो, मैं जाकर देखती हूँ। अम्मी आपने ये फायर की आवाज सुनी? अरे तुम कब आई? मैं तो काफी देर से नानी के पास ही बैठी हुई थी, आप नजर ही नहीं आई। काफी देर से? जी। ओ अच्छा, ये बाहर आवाज कैसी थी? चले जरा चलकर देखते हैं क्या हुआ। हाँ आओ आओ देखते हैं। तौबा तौबा, यानी क्या बुरा वक्त आ गया, यानी सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं मिलती। अब तो दिन दहाड़े डाके पड़ जाते हैं, ये तो फिर रात का वक्त था। आपको दरवाजे एहतियात से बंद करने चाहिए थे। ऐसा आप जाके अच्छे से चेक कर लें, पता नहीं चोर जाते जाते क्या कुछ साफ कर गया हो। कहाँ का डाका, कहाँ का चोर, वो तो कोई शिफा के कमरे में घुस गया था। जब हम लोग वहाँ गए तो वो निकल के भागा, हम भी उसके पीछे दौड़ पड़े, मैंने तो फिर फायर खोल दिया। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, आपको थाने में रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। ठीक कह रहे हैं ये, सोचूंगा भाई। भाई अगर हमारी जरूरत है आपके साथ चलने को तैयार है।
बस भी कर दो शिफा, क्यों इतना रो रही हो? रोएगी नहीं तो और क्या करेगी? अरे करतूती ऐसे। तौबा तौबा, लड़का कमरे में? अल्लाह माफ करे, नीचे तमाशा लगा हुआ है, पूरा मोहल्ला जमा हो गया है। क्या जमाना आ गया, अल्लाह माफ करे। तौबा तौबा तौबा। अरे अरे हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। अरे शिफा तेरा खाना खराब हो कमबख्त, तूने तो हमें कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं छोड़ा। अरे हमने मरे हुए माँ बाप के सर में खाक डालनी थी तो पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई कमबख्त? अरे मेरा दिल फटा जा रहा है। अरे कयामत के दिन इसके माँ बाप को क्या जवाब दूंगी मैं? तो मैं इस दिन के लिए, अरे इस दिन के लिए मना करती थी कि जवान जान लड़की को घर में अकेला ना छोड़ो, लेकिन तुम लोगों ने एक बात ना मानी। देख लिया है? अरे आज मुंह काला करते हुए पकड़ी गई है, पता नहीं ये चक्कर कब से चल रहा था। बस भी कर दे, क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? अरे ठीक कह रही है सुल्ताना, बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम तो दफ्तर जाते हो, सुबह शाम को आते हो, तुम्हें क्या पता कि तुम्हारे पीछे क्या होता होगा? वो तो सारा दिन अकेली रहती है घर में। अरे अकेली कहाँ होती, समायर भी तो होती है साथ। समायर को इस घर में आए हुए दिन ही कितने हुए, इससे पहले तो शिफा इस घर में अकेली रहती थी ना। किरदार एक दिन में मैले नहीं होते, थोड़ी थोड़ी गर्द पड़ती रहती है तो किरदार का आईना धुंधलाने लगता है। पता नहीं आप लोग जानते हैं या नहीं, लेकिन शिफा के नजदीक मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है। उसने कभी भी मुझे भाभियों वाली इज्जत नहीं दी। तुम इज्जत के काबिल होती तो इज्जत देती ना वो। अरे तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं मेरी बच्ची, वो तेरे साथ जो जो करती रही है उससे सारा खानदान वाकिफ है। तुम लोग तो बच्ची समझ के उसकी बातों को दरगुजर करते रहे, देख लिया ना क्या गुल खिलाए उसने। ठीक कह रही है तुम्हारी ताई, शिफा की तरबियत में यकीनन कोई कमी रह गई है। क्या हमारे घर में भी बच्चियां हैं, कभी रात को उनको अकेले रुक जाना पड़ता है घर में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सर नहीं झुका आज तक। बेटा तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो, चुप क्यों हो? अरे ये मेरा लाल बेचारा क्या बोलेगा, बहन ने इसे मुंह दिखाने लायक छोड़ा है और तुम कह रहे हो चुप क्यों हो? अगर आप कुछ देर खामोश हो जाएंगे तो शायद ये मसला हल हो जाए। तकी तुम खामोश रहो। हाँ भाई तुम चुप रहो, ये हमारे घर का मामला है, हम खुद ही निपटा लेंगे। जाओ बेटा उसे बुला के लाओ, उससे पूछे तो सही ना हंजार कौन है। अरे मैं तो कहती हूँ दो बोल निकाह के पढ़ा के उसी कमबख्त के साथ रुखसत करो इसे। इज्जत से रुखसत करवाने वाले लोग रात को छुप छुप के मिलने नहीं आते ताई जी। ठीक कह रहे हो, जाओ बेटा बुला के लाओ। अदालत के सामने पेश होने का वक्त आ गया है। आपने ऐसा क्यों किया? मैंने आपको उस घटिया शख्स से बचाया और बदले में आपने मुझ पर इल्जाम लगवा दिया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। ये बात तुम मुझसे तब करना जब मैं तुमसे माफी मांगू। तो मुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे झूठ पर यकीन करके मैंने मुझे एक थप्पड़ मारा था ना, आज मैंने उस थप्पड़ का कर्ज उतार दिया। भाभी, मैंने आपसे माफी मांगी थी। लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगी। आखिर मैंने किया ही क्या है जो मैं तुमसे माफी मांगू?
रोहिल के साथ तो इस कमरे में तुम पकड़ी गई हो ना, सबने देखा। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ आप कह रही है। मैंने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि आप इतनी घटिया निकलेगी। कौन घटिया है और कौन नहीं इसका फैसला बाद में कर लेंगे, अभी बाहर चले। उमेर के हाथों तुम्हारी बेइज्जती होते देखने के लिए मैंने बहुत इंतजार किया है। आपको क्या लगता है मैं चुप रहूंगी? मैं सबको जाके बता दूंगी कि रोहिल को आपने बुलाया, मैंने नहीं। कोई भी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। ना करे, मुझे सिर्फ उमेर भाई की परवाह है और वो मेरी बात पर जरूर यकीन करेंगे। समाहित कहाँ रह गई, शिफा को लेके नहीं आई? अरे शिफा कहीं भाग तो नहीं गई? कहीं नहीं भागी हूँ मैं, और आखिर मैंने ऐसा किया क्या कि मैं छुपाते भागती फिरूं? अरे तौबा तौबा, डिटाई तो देखो इस लड़की की, इतना कुछ हो गया आंखें कैसे निकाल रही है बेशरम कहीं की। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है कि मैं आंखें झुका के बातें करूं। आवाज नीचे रखो लड़की, तो सारे खानदान की नाक कटवा दी तुमने, ऊपर से चिल्ला रही हो। मैंने आपसे कहा ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप लोगों ने जो कुछ भी देखा वो सब बकवास था। चोर कभी कहता है कि उसने चोरी की है? मैंने तो इसे बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन इसने मेरी एक बात ना मानी। इसको तो अपने भाई की इज्जत का भी ख्याल नहीं रहा। आप चुप रहिए और अच्छा बनने के ड्रामे नहीं करें। तौबा तौबा तौबा, इस लड़की की ढिटाई तो देखें। अरे बजाय अपनी गलती मानने के अपनी इस भाभी को जो तुम पे जान निछावर करती है आंखें दिखा रही हो, बेगैरत कहीं की। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बेशर्म कहीं की। जान निछावर करने वाली नहीं कही है, मीठी छुरी कही है। आस्तीन में छुपा हुआ सांप कही है। बकवास बंद करो। मैं बकवास नहीं बंद करूंगी। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने उसे बुलवाया तो ये गलत है। मैं अपने कमरे में थी जब ये उसे वहां पे लेके आ गई थी। रोहेल मुझसे नहीं, इनसे मिलने आया था। क्या?